लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके जननायक श्री अशोक गहलोत जी का हमारी ऐतिहासिक नगरी उदयपुरवाटी में बहुत बहुत स्वागत। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। हमारे विपक्ष के नेता, वरिष्ठ नेता कांग्रेस आदरणीय रामेश्वर डूडी जी, आदरणीय सुमित्रा सिंह जी और हमारे सबके छत्तीस कौम के लाडले झुंझुनू के लोकप्रिय उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार जो 18-18 घंटे काम करते हैं, आदरणीय सवन कुमार जी और मंच सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, हमें मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने वर्तमान में देश में जो परिदृश्य चल रहा है उस पर अपनी अपनी बात रखी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आपने 11 तारीख को हमारे झुंझुनू में आदरणीय शरण कुमार जी का बांध बिठाया था और बांध बिठाया बाद में हजारों की तादाद में लोग आया बांध बिठाने खातिर, और बांध बिठाने खातिर यो बांध बिठाने के बाद में यो बनड़ो हर विधानसभा का माय तो और मत कह रहे हो तो बनड़ा ले चावल दाल पूरी भरपूर मिल रही है, चारों तरफ तो टोनिंग मिल रहे थे, सोच को नहीं सको। और 8 विधानसभाओं के अंदर बलोरा जीमता जीमता और बीकाबाद में 6 तारीख ने बरात लेके चलेंगा आपका बूथ पर, और 23 तारीख को बिंदनी लाके सरवण जी दे देगा तर हाथ में सौंप देगा। आ तो होगी चुनाव की बात, रिजल्ट की बात। अब मैं कहना चाहता हूं पूरे झुंझुनू जिले की 8 विधानसभाओं के अंदर जबरदस्त जोश है, चारों तरफ 36 कौम के लोग सरवण कुमार जी को जिताने में लगे हुए हैं। बहुत सीधे सज्जन इंसान है, बहुत सीधे सज्जन इंसान है। हर व्यक्ति कोई भी हाथ पकड़ लेगा उस आदमी के साथ काम के लिए चल पड़ेंगे। 5-5 विधायक, 5-5 बार विधायक रहना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसी चिलचिलाती धूप में आम जनता जिस तरह से सड़कों पे इनका इंतजार करती है पलक पावड़े बिछाकर, यह इस बात को साबित करता है झुंझुनू जिले की सबसे बड़ी जीत आपको हम सौंपने वाले आने वाले समय में। आज मैं जब लवलगढ़ में दौरा था इनका, तो मैं सरवण जी भाई साहब से कहता था, इन्होंने कहा कि ये मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या करें। मैंने कहा उदयपुर आए थे प्रधानमंत्री जी और उन्होंने कहा कि उदयपुर उदयपुर अपने वाला नहीं, उदयपुर राणा जी का उदयपुर, राणा जी का उदयपुर और गुजरात का 400 साल पुराना रिश्ता है। लोग डर गए, बोले 400 साल पुरानी बात कठो याद रहेगी के। तो पूछा कैसे, तो बोलो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, क्या नाम था भाई? अब थे बोले चेतक, तो अब नंदिरो बताओ, चेतक को नंदिरो बैठे हो बताओ, नंदिरो बैठे हो। तो लोगों ने कहा कि मानकेवरो भी को नंदिरो बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री जी पता है क्या बोलते हैं, तो यही तो कहना चाहता हूं कि चेतक की मां मेरे गुजरात की मेहसाणे से थी। सीएम साहब जब गुजरात से थी तो हमने भी कह दिया कि कुतुब मीनार जो बना दिल्ली का वो भी मेरे नवलगढ़ के कुमाऊं जी ने बनाया था। तो एक बीजेपी का भक्त बोला कुतुब मीनार बना रहे थे भी बावली बात कर रहे हो, मोतू तो शाही कर रहे हैं ये। अरे बना था नवलगढ़ में कुतुब मीनार, उसके टायर लगा दिए गलती से, खिसकता खिसकता दिल्ली पहुंच गया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि झूठ के पाव नहीं होते, ये चुनाव है सत्य और झूठ के बीच में, सत्य और झूठ के बीच में, और सत्य हमेशा विजय होता है। आने वाले वक्त में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रति और वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है उसके खिलाफ, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हैं,
चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग इस झूठी सरकार के वादों से दुखी है। मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे, इस सरवन कुमार जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए, हमारे जननायक के हाथ मजबूत करें। अभी तो 3 महीने सरकार बने, आप चिंता मत करना, असली एक्शन आएगी जून से, सरकार जून एक्शन में आएगी, और जो भी वादे किए हमारी सरकार ने उसके बाद में हम लोग दिन रात लग जाएंगे गहलोत साहब के साथ आम जनता के वादों को पूरा करने के लिए। यही बात कहते हुए एक बार पुनः मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं, छत्तीस कौम की जनता से, ये चुनाव अकेले शरण कुमार जी का नहीं है, ये मंच पर जितने भी हमारे नेता बैठे हैं और सामने जो हमारे सभी लोग कार्यकर्ता बैठे हैं, आप सबका चुनाव है। इसलिए मात्र 6 दिन है, 6 दिन दे दो शरण कुमार जी को, वादा हमारा ये व्यक्ति ब्याज सहित काम करके सेवा करके आपका एहसान चुका देगा, इतना ही वादा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।